हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जूसी यमी आइसक्रीम बनाएंगे। बच्चों की समर वेकेशन शुरू होने वाली है तो अब बच्चों को पूरे दिन आइसक्रीम चाहिए, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे दूध और जूस ज़्यादा लें। तो इस प्रॉब्लम का हल हम लेकर आए हैं इम्यूनिटी और टेस्ट से भरपूर जूसी और चॉकलेटी आइसक्रीम के रूप में। इसके लिए हमने डिफरेंट टेस्ट के जूस के पैक लिए हैं, फ्रूटी और माजा के कार्टन पैक लिए हैं। इसके अलावा आधा कप ताजी मिलाई, आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप पाउडर्ड शुगर को लिया है। हमने कुछ पेपर कप्स और आइसक्रीम स्टिक को भी लिया है। सबसे पहले हमने रियल के एप्पल जूस का एक पैक लेकर इसे कट कर लिया है। जूस के पैक को कट करने के बाद हम एक पेपर कप में 1 टीस्पून मिल्क पाउडर और 1/4 टीस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। इसके बाद हम पेपर कप में थोड़ा सा जूस डाल देंगे और इसे अच्छी तरह चलाकर मिला देंगे। मिल्क पाउडर, शुगर और जूस को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम पूरे पेपर कप को जूस से भर देंगे। पूरे कप को जूस से भरने के बाद इसे फिर से एक बार चलाकर मिला देंगे और कप में आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। दूसरी आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले मलाई को थोड़ा सा चलाकर एकसार कर लेंगे। अब हम 1 टीस्पून मलाई को पेपर ग्लास में डालेंगे। इसके बाद हम पेपर ग्लास में 1/4 टीस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। अब हम पेपर कप में थोड़ा सा जूस डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। मलाई, पाउडर, शुगर और जूस को मिलाने के बाद हम पूरे गिलास को जूस से भर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। देखिए, हमने पूरे गिलास को जूस से भर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे और इस गिलास में भी आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। देखिए, हमारे आइसक्रीम के 2 कप तैयार हो चुके हैं। इस तरह किसी आइसक्रीम में मिल्क पाउडर और किसी आइसक्रीम में मलाई डालकर और डिफरेंट टेस्ट का जूस डालकर हम अपनी डिफरेंट टेस्ट की जूसी आइसक्रीम तैयार कर लेंगे। इससे एक फ़ायदा तो यह है कि जूस के एक पैक से 2 आइसक्रीम तैयार होंगी, तो बच्चे जितनी बार चाहें उतनी बार आइसक्रीम खा सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम छोटे साइज की बनती है जो वेस्ट भी नहीं होती है। जो आइसक्रीम हम बना रहे हैं उससे 2-in-1 आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। आधी आइसक्रीम में जूस होगा और आधी आइसक्रीम में मलाई या मिल्क पाउडर का मिक्स होगा, जो खाने और देखने दोनों तरह से अच्छी लगती है। और चूंकि आइसक्रीम आप खुद तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी पर भी आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। 2 पेपर ग्लास में हमने अलग अलग टेस्ट के जूस मिक्स कर कॉकटेल आइसक्रीम बनाई है। देखिए, अब हम लीची टेस्ट की आइसक्रीम बना रहे हैं। हमारे लीची जूस का भी कप बनकर तैयार हो चुका है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने फ्रूटी और माजा का कार्टन भी लिया है। फ्रूटी और माजा के कार्टन के टॉप पर हम नाइफ से कट लगाएंगे और इस कट में हम आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। देखिए, हमारा फ्रूटी का कार्टन तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम माजा का कार्टन भी तैयार कर लेंगे। इस प्रोसेस से बच्चों का जब भी मैंगो बार खाने का मन करे, बच्चे बहुत आसानी से मैंगो बार बना सकते हैं। हमारी सभी जूसी आइसक्रीम तैयार हो चुकी हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ी सी मलाई बची है। सबसे पहले हम बची हुई मलाई में बचा हुआ मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। इसके बाद इस सभी सामग्री को अच्छे से चलाकर मिला देंगे। इस सभी मटेरियल को अच्छे से चलाकर मिलाने के बाद हम इसमें 1 टी कप मिल्क डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह चलाकर मिला देंगे। हम बोल में थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और इसे चलाकर मिलाते जाएंगे। अच्छी तरह चलाकर मिलाने के बाद इस मटेरियल को 2 पेपर कप में भर देंगे और पेपर कप में इस मटेरियल को भरने के बाद पेपर कप में 2 स्टिक लगा देंगे। इस आइसक्रीम को हम चॉकलेटी मिल्की बार बनाएंगे। हमारे सभी कप्स और कार्टन अब आइसक्रीम बनने के लिए तैयार हैं। अब हम एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस लेकर उनमें कट लगाएंगे और सभी कप्स को हम सील कर देंगे। देखिए, एक एक कप के ऊपर हम एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे और कप को सील कर देंगे। हमारे सभी कप सील हो चुके हैं। अब इन्हें 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। 4-5 घंटे बीत चुके हैं, हमारी आइसक्रीम परफेक्ट जमकर तैयार हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम को डीमोल्ड करेंगे। हमने पेपर कप काट कर आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है और देखिए हमारी कितनी परफेक्ट और सुंदर आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। चॉकलेटी मिल्की बार बनाने के लिए हमने 1/4 कप डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है और हमने चॉकलेट में थोड़े से बादाम काट कर डाल दिए हैं ताकि हमारी आइसक्रीम नटीज बन सके। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट की जगह कैडबरी चॉकलेट भी मेल्ट कर सकते हैं। अब हम पेपर कप को काट कर अपनी मिल्की बार निकालेंगे। चॉकलेट जब थोड़ी ठंडी हो जाए तभी उसे मिल्क आइसक्रीम पर डालें। देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी मिल्की बार आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। हमारा फ्रूटी का कार्टन भी जमकर तैयार हो गया है। हम इसके कार्टन को काट कर रिमूव कर देंगे
और लीजिए बिना मेहनत के हमारी कितनी बड़ी मैंगो बार आइसक्रीम तैयार है। देखिए हम डिफरेंट टेस्ट के कॉकटेल आइसक्रीम को डिमोल्ड करेंगे। हमारी आइसक्रीम देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। देखिए हमारी लीची टेस्ट की आइसक्रीम भी जमकर तैयार हो चुकी है। मिल्की बार के दूसरे तैयार कप में आप ऊपर से चॉकलेट डाल दें और इस आइसक्रीम को कप से रिमूव ना करें। इस चॉकलेटी मिल्की बार को आप कप के साथ स्पून से खाने के लिए सर्व करें। देखिए कितनी टेस्टी और सुंदर जूसी बार और यमी मिल्की चॉकलेट बार घर में रखे सामान से बिना मेहनत के और चुटकी बजाते ही तैयार हो गई है। इन जूसी आइसक्रीम्स को खाकर बच्चे तो बहुत खुश होंगे ही, वो अपने पसंद का फ्लेवर खुद चुनकर आइसक्रीम बना सकते हैं। तो बनाएं और खिलाएं और इस समर वेकेशन में आइसक्रीम का मजा लें। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी जूसी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज़ की वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।